हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर वन द कारपेंटर के बारे में पढ़ेंगे। कारपेंटर मतलब तो हम सभी को पता है ना, कारपेंटर मतलब बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाता है और दरवाजे खिड़कियां अलग अलग चीज़ बनाता है, उसको कारपेंटर बोलते हैं। तो आप ये बताइए कि हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो जो काम हम करते हैं वो हम सिर्फ काम ख़त्म करने के लिए करते हैं या काम को करने में हमें मज़ा भी आता है, उसे एंजॉय भी करते हैं। हम जब कोई काम करना चाहिए तो उसे पूरे मन से करना चाहिए, अपना पूरा जितनी भी अच्छी तरह से हम किसी काम को कर सकते हैं हमें उतनी अच्छी तरह से करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। तो हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं। तो बच्चों, इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं कारपेंटर की, कि जिसमें किस तरह से कारपेंटर अपने काम से प्यार करता है और बाद में उसके साथ कैसा होता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। वंस देयर वॉज ए कारपेंटर नेम्ड गोपाल। एक बार एक कारपेंटर था, बढ़ई था, गोपाल नाम था उसका। हिज वुड वर्क वॉज फेमस थ्रू आउट द लैंड। पूरी ज़मीन पे, पूरी पृथ्वी पर, पूरी बहुत दुनिया में, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो फेमस था। उसका लकड़ी का काम, उसके जो वो काम करता था फर्नीचर का, वो बहुत ही फेमस था। पीपल यूज टू हायर हिम वेन एवर दे नीडिड समथिंग बिल्ट। जब लोगों को कुछ बनवाना होता था अपने घर में तो वो उसको किराए पर लेकर बनवा काम करवाते थे। बिकॉज ही वुड ऑलवेज पुट हिज हार्ट एंड सोल इन टू वॉट एवर ही मेड। क्यों करवाते थे? क्योंकि वो जो भी कुछ काम करता था, जो भी कुछ बनाता था, उसे पूरे जी और जान से बनाता था, मतलब पूरा अपना दिल निकाल कर रख देता था। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मन से वो काम को अपने करता था, इसलिए वो जो कुछ करता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता था। तो ऑल डे एवरी डे ही वॉज वेरी बिजी एंड ही वुड थिंक ओनली अबाउट हिज वर्क। मतलब कि हर रोज, हर दिन वो बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहता था, और ही वुड थिंकिंग ओनली अबाउट हिज वर्क, और वो सिर्फ काम के बारे में ही सोचता रहता था। When he was young, his father had told him once. जब वो छोटा था तो उसके पिताजी ने उससे बताया था, गोपाल whatever you do in life, you should do your best. कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करो तुम्हें उसे पूरी अपने बेस्ट के साथ करना चाहिए। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा जो तुम कर सकते हो, तुम्हें उस तरीके से वो काम को करना चाहिए। He remembered his father's teaching. उसको अपने पापा की कही हुई बात याद थी। He was like a mantra for him. ये एक मंत्र की तरह उसके साथ हमेशा रहता था, कि जिस तरह से हम मंत्र को बार बार याद करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उसी तरह से वो बात उसको हमेशा याद रहती थी। But things began to change for him as he reached middle age. लेकिन जब वो अपने उम्र के बीच के पड़ाव में आया, मतलब जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया, तो चीज़ें बदली। Gradually, through hard work and dedication, he was becoming quite rich. धीरे धीरे वो अपनी कठिन मेहनत से और अपने समर्पण से वो थोड़ा धनी हो गया, पैसे वाला हो गया। एंड द मोर मनी ही हैड द लेस इंटरेस्टेड ही वॉज इन हिज वर्क। और जैसे उसके पास थोड़ा थोड़ा धन बढ़ता गया, उसका काम के प्रति इंटरेस्ट कम होता गया, उसका मन काम करने में कम लगने लगा। इंक्रीजिंगली गोपाल फेल्ट ही हैड अर्न इनफ मनी एंड दैट देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू कीप वर्किंग। धीरे धीरे गोपाल ये सोचने लगा कि उसके पास काफ़ी पैसा हो गया है और अब उसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही वॉन्टेड टू लीव हिज जॉब एंड स्टे एट होम। वो अपना काम छोड़कर घर पर रहना चाहता था। ही वुड मेक हिज चिल्ड्रन वर्क एंड मीन वाइल इन्जॉय हिमसेल्फ। उसने अपने बच्चों को काम करने लायक बना दिया था और वो अब खुद जीवन का आनंद लेना चाहता था बिना काम करे। So he told his employer Mr. Mohanlal of his plans to leave the carpentry business and live a more leisurely life with his wife and extended family. तो इसलिए उसने अपने उसके जो मालिक थे मिस्टर मोहनलाल, जिनके यहाँ वो काम करता था, उसने अपने प्लान के बारे में बताया कि वो अब कारपेंट्री का काम छोड़ना चाहता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ आगे जीना चाहता है, आराम का जीवन जीना चाहता है।
मिस्टर मोहनलाल टोल्ड हिम, मिस्टर मोहनलाल ने उसको बताया कि गोपाल इफ़ यू वांट टू टेक लीव, यदि तुम छुट्टी लेना चाहते हो और छुट्टियों पर जाना चाहते हो, थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते हो तो जाओ, बट डोंट लीव द जॉब, लेकिन काम करना मत छोड़ो, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी डूइंग योर वर्क एज यू आर ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, तुम हमेशा से अपना काम करना ही तुम्हें पसंद था और हमेशा तुम्हें वही चीज़ अच्छी लगेगी काम करना, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे कारीगर हो, तुम बहुत अनोखा काम करते हो, बहुत ही सुंदर काम करने वाले व्यक्ति हो। नेवर फॉरगेट दैट लाइफ इज़ एन ongoing project, कभी मत भूलो कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, काम करते रहेंगे तो जिंदगी वही जिंदगी है। बट गोपाल हैड बिगन टू थिंक वेरी हाईली ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन गोपाल जो था अपने बारे में बहुत ही महान सोच रहा था, उसने सोचा कि बिना उसके मिस्टर मोहनलाल का बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, एंड दैट दिस वॉज द ओनली रीज़न ही डिडंट वॉन्ट गोपाल टू लीव, और इसकी वजह से केवल मिस्टर गोपाल उसको, मिस्टर मोहनलाल उसको काम छोड़ने नहीं देना चाह रहे हैं। व्हेन ही थॉट ऑफ इट दिस वे ही बिकेम एडमेंट ऑन हिज डिसीजन, जब उसने ऐसा सोच, इस तरह से सोचा तो वो अपने निर्णय पर और ज़्यादा अटल हो गया, मतलब फिक्स हो गया कि नहीं अब तो मुझे अपना काम करना छोड़ना ही है। मिस्टर मोहनलाल वॉज सॉरी टू सी हिज हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय लिविंग एंड आस्क्ड गोपाल टू बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज ए पर्सनल फेवर। मिस्टर मोहनलाल ये देखकर बहुत दुखी थे कि उनका एक मेहनती जो काम करने वाला व्यक्ति है वो काम को छोड़ रहा है, और उन्होंने गोपाल से बोला कि सिर्फ एक घर और बनाने के लिए कहा एज ए पर्सनल फेवर, मतलब उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए काम करने को कहा कि उसके लिए, उनके लिए घर और बना दे बस। एंड ऑल दो गोपाल हैड डिसाइडेड नॉट टू वर्क, ही हैड नॉट फॉरगेटन व्हाट ए सपोर्टिव एंड हेल्पफुल एम्प्लॉयर मिस्टर मोहनलाल हैड ऑलवेज बीन। और जैसे कि गोपाल ने डिसाइड किया था कि भाई वो अब आगे काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी वो ये भी नहीं भूल पाया कि मिस्टर मोहनलाल हमेशा उसके लिए कितना सपोर्टिव रहे हैं, कितना उसको साथ दिया है उन्होंने और कितना उसकी मदद की है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो उन्हें घर बनाने के लिए सहमत हो गया, उसने घर बनाने के लिए हाँ कर दी। However, as the days went by and the project got underway, जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसका प्रोजेक्ट पूरा होता गया, वो घर बनता गया, it was easy to see that his heart was not in his work. ये बहुत साफ दिखाई दे रहा था कि उसका काम करने में उतना दिल नहीं था जितना पहले वो मन से काम करता था। He restored to shoddy workmanship and used inferior materials. उसने बहुत ही shoddy वर्कमैनशिप, मतलब बहुत ही घटिया किस्म का काम किया था, बहुत ही छोटा, बहुत ही गंदी तरह से काम किया था उस घर को बनाने के लिए, एंड और बहुत ही हल्की क्वालिटी का मटेरियल उस घर को बनाने के लिए लगाया था। वन कुड इजीली मेक आउट दैट ही वाज डिसइंटरेस्टेड, कोई भी उसे देखकर आसानी से ये बता सकता था कि उसने बिना किसी मेहनत के, मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ वो मकान बनाया था। It seemed an unfortunate way to end his career. ये बहुत ही दुर्भाग्य, बिना दुर्भाग्य के उसके साथ उसका कैरियर ख़त्म होने जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब उसका ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उसने ऐसा घटिया काम किया, मतलब इतना हल्का काम किया घर बनाने के लिए। तो when Gopal had finished his work and the building stood complete, जब गोपाल ने अपना काम ख़त्म कर दिया और बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, तो मिस्टर मोहनलाल केम टू इंस्पेक्ट इट एंड हैंडेड द फ्रंट डोर की टू गोपाल। मिस्टर मोहनलाल आए उसको देखने के लिए, घर को देखने के लिए, और उन्होंने उस घर के दरवाजे की चाबी गोपाल को दे दी। दिस इज़ योर हाउस ही सेड, माय गिफ्ट टू यू, उन्होंने गोपाल से कहा कि ये तुम्हारा घर है और मैंने, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, उपहार है। व्हाट अ शॉक, व्हाट अ शेम, इफ़ He had only known the building he was working on was to be his own, he would have done it all so differently. मतलब उसको बहुत ही धक्का लगा और बहुत ही वो शर्मिंदा महसूस हुआ गोपाल, क्योंकि अगर उसे पता होता कि ये घर उसके लिए बनाया जा रहा है तो वो इसे किसी अलग ही तरीके से बनाता। Now he had to live in the home he had built so badly. लेकिन अब वो उस घर में रहने लगा जो उसने बहुत ही बुरी तरह से बनाया था। तो देखा बच्चों आपने इस कहानी में, पहले कारपेंटर किस तरह से पूरा मन लगाकर काम करता था किसी दूसरे के लिए भी,
लेकिन अभी उसका मन खत्म हो गया था काम में से, बिना इंटरेस्ट के उसने बनाया, तो कितना गंदा घर बनाया। और जब उसको पता चला कि ये उसी के लिए गिफ्ट घर बनाया गया है, तो वो कितना दुखी हुआ। तो हमें अपना जो भी काम करना चाहिए, हमें पूरी मेहनत से और ईमानदारी से मन लगा कर करना चाहिए, उसे इंजॉय करना चाहिए। तो इस कहानी से हमने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? Our life tomorrow will be the result of our attitudes and the choices we make today. हमारा जो आने वाला कल है, हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम आज कैसा काम करते हैं, हम आज का व्यवहार कैसा करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा आगे आने वाला कल डिसाइड होता है। Work as hard as possible and have a positive attitude every time. इसीलिए हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हम कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना चाहिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक रवैया रखना चाहिए हर समय कि जो होगा अच्छा होगा। हमें बहुत मेहनत से और बहुत दिल से काम करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आवर लाइफ टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आवर एटीट्यूड्स एंड चॉइसेस। मतलब हमारा जो आज का जीवन है, वो हमारे पिछले जीवन का, पिछले गुजरे हुए कल में हमने कैसा काम किया, कौन से रास्ते अपनाए काम करने के लिए, किस तरीके से काम किया, उसका रिज़ल्ट हमें आज मिलता है। और आज जो हम काम करेंगे, उसका रिज़ल्ट हमें आने वाले कल में मिलेगा। तो इसलिए बच्चों, हम जो भी काम करते हैं, हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए।